हे गाइस, वेलकम बैक टू इट्स जोया व्लॉग। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मतलब फुल वीडियो डाल रही थी। एक्चुअली मुझे दिल था शॉर्ट्स डालने का, बट फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत मतलब फुल वीडियो भी डाल दिया जाए। और उसके बाद ही मैंने मतलब गेट रेडी विद मी कर रही थी, तो उसके साथ ही मैंने कहा चलो फुल वीडियो भी बना लेते थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं ना न्यू ईयर के एक दिन पहले का वीडियो है ये, मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। एक्चुअली कुछ सीरियस हो गया था मेरे साथ, इस वजह से मैं मतलब फ़ोन पे मतलब कुछ डाल नहीं पा रही थी। बहुत थोड़ा सीरियस हो गया था, कुछ मैटर था, मैं आप लोगों को मतलब अलग से व्लॉग बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी। तो गाइज ये था ना, मतलब मैं क्या कि फर्स्ट मेरा गुड वाइब्स का टोनर था, लिकोरिक टोनर, बहुत ही अच्छा वाला टोनर है गाइज। गुड वाइब्स का सारा ही प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, और टोनर सीरम तो मतलब मेरा फेवरेट है एक्चुअली गुड वाइब्स का। तो उसके बाद मैंने टोनर सीरम उसका गुड वाइब्स का यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस अपना ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लगवाया। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का मैंने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, तो रिसेंटली मैंने बहुत सारा चीज़ मंगवाया है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। आप लोग अगर नहीं जानते तो जाके मेरे वीडियो पे देखो, बहुत सारे लिंक है, मैं प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को, आप लोग चेकआउट कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं अपना मेबलिन का कोलोसल काजल यूज़ करी थी, जो कि मैं यहाँ पे लोकल मार्केट से ही लाई थी, मतलब मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी एक्चुअली, या फिर ऑनलाइन ही मंगवाई थी, मुझे याद नहीं है गाइस, सॉरी। बट मुझे इसके बारे में याद नहीं है, बहुत दिन हो गया है मतलब इसको मंगवाए हुए। काजल मैंने बहुत दिनों से परचेस नहीं किया है, लास्ट टाइम 6 मंथ पहले शायद मंगवाई थी। उसके बाद से तो मैं बहुत मतलब बीमार रह रही थी, तो मैंने मतलब मेकअप भी करना छोड़ दिया था, उस वजह से शायद, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। और ये जो स्विस ब्यूटी का है ना, मैं एक्चुअली जाने वाली थी कहीं पे, तो मैं लोकल मतलब लोकल शॉप से जाके, मैं अर्जेंटली मुझे चाहिए था ये सारा चीज़, मैं लोकल मार्केट से जाके, लोकल मतलब शॉप से जाके लेके आ गई। उसके बाद ये जो साउंड आ रहा है ना, इसको मतलब ये करो, इग्नोर करो, क्योंकि मेरी बेबी जो है ना वो चिल्ला रही है मेरे साइड में सो के, आ करके चिल्ला रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का ना आई शेडो लिया था गाइज। इसको मैं हमेशा एज ए ब्लशर यूज़ करती हूँ, मैं अपना पर्सनली मतलब सेपरेटली कोई ब्लश यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इसी में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। मैं आई शेडो से ही मैं मतलब अपना यूज़ कर लेती हूँ। एक्चुअली इसको मैंने बहुत दिनों पहले देखा था आई शेडो को, मतलब NYB का, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत प्रिटी सा लुक दे रहा था, और सिंपल सिंगल वन था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारा मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किया, बट उन सब में से ना मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत हल्का सा लाइट सा पिगमेंट देता है, बट बहुत यूनिक लगता है इसका पिगमेंटेशन जो होता है इसका ना, बहुत यूनिक सा फील कराता है। तो मैं इसको एज ए आई शेडो एज ए ब्लश मैं यूज़ कर लेती हूँ। आई शेडो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेवी वाला नहीं चाहिए था, बहुत सिंपल सा लुक रखना था मुझे, इसलिए मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लगाया था। उसके साथ मैं ना कोशिश कर रही थी कि NYB का मैट लिपस्टिक लगाऊं, बट मैट लिपस्टिक जो था ना बहुत दिन हो गया था, मतलब वो ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, मुझे पता नहीं था कि वो ख़त्म हो चुका है। बट मैं उसको क्या करी, जब निकाल के लगा रही थी तो बिल्कुल लगा नहीं, बहुत मुश्किल से जो थोड़ा बहुत लगा ना स्किन लिप पे, वो भी क्या हुआ ना, मतलब ऐसे हल्का सा मतलब रेड ब्राउन पिंकिश टाइप का हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया रेड और ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर मिक्स होके। तो उसके बाद मैंने अपना जो यूज़ किया है ऑक्सीडाइज्ड वाला ज्वेलरी यूज़ किया, मैंने ऐसे पोनी बना लिया मैंने अपना सिंपल सा, मेरा एक्चुअली सिर में हेयर ही नहीं है अभी, मतलब जो बहुत ज़्यादा फीवर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसके बाद से ना मेरा हेयर बहुत लॉस होने लगा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कितने बाल एक दिन में निकलते ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मतलब ऐसे एक मतलब मेरा हेयर आप लोगों ने पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरे पहले जितने पुराने वीडियोस हैं वो सब में जाके देख सकते हो। मेरे हेयर पहले बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी हेयर थे मेरे, बट मुझे मतलब 2-3 मंथ्स मेडिकल में रहना पड़ा, उसके बाद बहुत हेल्थ इशू भी हो गया था, उसके वजह से ना मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मतलब हेयर लॉस होने शुरू हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइन वगैरह लेना पड़ा, मेडिसिन वगैरह इधर उधर का खाना पड़ा मुझे, उसके वजह से मतलब हेल्थ इशू हो गया था। तो उसके बाद हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग का ये मेरा पिक्चर मैंने डाल दिया यहाँ पे, देख लो। अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय, टेक।